को पद से हटा दिया गया है और अकेले बैठे हुए हैं, बहुत ही उदास लग रहे हैं। सेनापति को पद से हटा दिया गया है। इसका ये रामफल जी को सेनापति को पद से हटा दिया गया है। देखो जंगल में कोई फोर्स नहीं है, दूर दूर तक नज़र मार लीजिए, जंगल में कोई फोर्स नहीं है और सेनापति ने सबको एकदम से गुस्सा करके सबको भगा दिया है। सेनापति अकेले पेड़ पर बैठकर बस हनुमान जी का नाम ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि हे प्रभु, क्या हमारी ही गलती है? सेना की गलती नहीं है, ये मुझे छेड़ती है, मुझसे तकरार करती है और मुझको गलत सलत बोलती है और मेरी आपसे चुगली लगाती रहती है। और ये मन ही मन हनुमान जी को पुकार रहे हैं, विचलित है, परेशान है। आखिर पद छिन चुका है, सेनापति का पद छिन चुका है, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं। अरे भाई, पहले तुम सबको परेशान करते थे, सबको मारते पीटते थे और हम पे भी गुस्सा दिखाते थे, इसीलिए तुम्हारा पद छिन चुका है। अब इसका फैसला पवन पुत्र श्री श्री हनुमान जी ही करेंगे। देखो जंगल में दूर दूर तक आपको कहीं भी हनुमान जी की सेना नहीं नजर आएगी। सेनापति ने हाहाकार करके पूरा जंगल में हाहाकार कर दिया था और सबको दे दे मार दिया था। जो उसके विरोधी थे, जो विरोध कर रहे थे सेनापति को हटाने का विरोध कर रहे थे, जो विरोधी थे, जो सेनापति को हटाने के पक्ष में थे, उनको सेनापति ने मार मार कर बेहोश कर दिया है। पूरी प्रजा को भगा दिया है। और इतने देख लीजिए कि इन्होंने इतनी हेल्प की थी कुछ लोगों की, तो जो कुछ सेना की इतनी हेल्प की थी कि सेनापति उनको बहुत चाहते थे, लेकिन उन्होंने ही सेनापति को धोखा दिया और हनुमान जी के पास इनकी कंप्लेंट भेज दी। अब बताओ, अब क्या करें बेचारे, क्या करें? कुछ सेनापति के बंदे थे जो उनका साथ दिया, लेकिन अब उदास बैठे हुए हैं, पेड़ पर बैठ गए हैं और बस हनुमान जी का नाम जप रहे हैं, हनुमान जी को ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलेंगे प्रभु। अपनी सारी समस्या हनुमान जी को ही बताएंगे, पवन पुत्र श्री श्री हनुमान जी को ही बताएंगे। अरे भाई, सेना की पद से हट गए हैं, राम बतेरी सेना के पद पर लग चुकी है और सेनापति देखो कैसे चोर बोर हो रहे हैं, दुखी है। ये देख लीजिए, पूरे जंगल में कहीं भी आपको सेना कहीं नहीं नजर आएगी। सेनापति का विद्रोह हो गया था। सेना में विद्रोह होने के बाद सेनापति को पद से तुरंत हटाया गया और राम भतेरी को पद पे रखा गया। सेनापति बेचारे अकेले पेड़ पर बैठकर प्रभु पुकार रहे हैं, हनुमान जी पुकार रहे हैं। अब हनुमान जी इनका फैसला करेंगे कि इनको पद पे दोबारा रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। ये फैसला पवन पुत्र श्री श्री हनुमान जी ही करेंगे। अकेले पेड़ पर बैठे हुए हैं और हनुमान जी का नाम जप रहे हैं, प्रभु का नाम जप रहे हैं, प्रभु इनकी लीला दूर करेंगे। आखिर ये भी भाई भगवान जी के रूप है, हनुमान जी का रूप है, परम पिता परमेश्वर का रूप है। अरे भाई, सेना में विद्रोह होने के बाद ही सेनापति को पद से तुरंत बर्खास्त कर दिया गया और इनकी चिट्ठी पवन पुत्र श्री श्री हनुमान जी के पास भेज दी गई है और बस वही इनका फैसला करेंगे कि अब क्या होगा क्या नहीं। दुखी है, परेशान है, खाना भी नहीं खाया सुबह से, मैंने इनको केला खिलाई, केला भी नहीं खाई, मूँगफली भी नहीं खाई, अब क्या करें बेचारे, परेशान है। देखो ये भी तो पवन पुत्र हनुमान जी का रूप है, भगवान जी का रूप है। और पवन पुत्र भगवान जी हनुमान जी बोलते हैं कि हे सेना, सभी मेरे अंदर है, सभी प्रभु है, सभी मेरा रूप है, सभी मिलजुल के रहिए। लेकिन सेनापति को समझ में नहीं आता ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, इसीलिए राम भतेरी को सेनापति का पद दे दिया गया है। देखो चल दिया है हनुमान जी की तलाश करने के लिए सेनापति जा रहे हैं। सेनापति जी कहाँ जा रहे हो? सेनापति जी निकल चले हैं भाई। सेनापति जी हनुमान जी की तलाश में जंगल में निकल पड़े हैं और इनका फैसला अब पवन पुत्र श्री श्री परमात्मा भगवान ही करेंगे, हनुमान जी करेंगे। देखो क्या कर रहे हैं, मेरे से भी लड़ने को बैठ रहा था, मेरे से भी लड़ाई करने शुरू बैठ गया था। सेनापति क्या हो रहा है? अरे हमें छोड़ दो भाई, हम भी तो हनुमान जी रूप है, हम भी तो हनुमान जी रूप है। सेनापति निकल चुके, मेरे से भी लड़ने को तैयार है। हनुमान जी तलाश के लिए निकल चुके हैं। देखो वो जा रहे हैं, फिर चढ़ गए पेड़ पे। देखो चढ़ चुके हैं, ऊपर चढ़कर हनुमान जी को तलाश कर रहे हैं। देखो पेड़ पर चढ़ चुके हैं, देखो
पेड़ पर चढ़ चुके हैं, हनुमान जी को देख रहे हैं, कहाँ मिलेंगे, जंगल में मंगल हो रहा है भाई। बोलो जय हनुमान, बोलो जय सियाराम। पेड़ पर चढ़कर क्या देख रहे हैं, अरे उदास है, परेशान है। बोलो जय हनुमान। इनका फैसला पवन पुत्र हनुमान जी करेंगे, ये हमसे भी लड़ने वाले थे, हमने अपना आपको बचाया, नहीं तो हम पे हमला कर देते। जय हनुमान, जय सियाराम। हनुमान जी के सामने राम भतीरी की चिट्ठी जा चुकी है और इनको सेनापति के पद पर बैठा दिया जाएगा। देखो रोटी, 4-5 रोटी हमने दी है, राम भतीरी की फरमाइश थी हमें रोटी खिलाइए और हमने राम भतीरी को भरपूर रोटी ला के दी। आखिर भाई सेना की सेनापति बनने वाली है, सबसे बड़ा उच्च पद है सेना का सेनापति। सेनापति उच्च पद होता है, जो सेनापति होता है पूरी फोर्स को लेकर चलता है। और राम भतीरी ने, राम भतीरी को शपथ दिलाई जाएगी हनुमान जी के सामने। सभी प्रसन्न है, खुश है, केवल राम भतीरी ही सेनापति के सामने बैठी हुई है, बाकी कोई नहीं है। दूर दूर तक देख लीजिए, सब डरे हुए हैं कि सेनापति आए कभी हमको काट ना खाए, झगड़ा ना कर दे। लेकिन सेनापति के पद पर राम भतीरी, अरे भाई मालिक है, बब्बर शेर है, शेरों की शेर है, बब्बर शेर है। और हनुमान जी की बहुत बड़ी भगत है, बहुत विशाल भगत है, बहुत बड़ी भगत है भाई, बहुत बड़ी भगत है। अद्भुत नज़ारा राम भतीरी के द्वारा देख लीजिए। सेनापति की भी हिम्मत नहीं है कि राम भतीरी कुछ बोल दे। राम भतीरी भाई ताकतवर है, ऐसी बात नहीं, सब जानती है, गदाधारी है, जूड़े कराड़े सब जानती है, डरती नहीं किसी से। बोलो बजरंग बली की जय, बोलो बजरंग बली की जय। रोटी खाते रहो सेनापति जी, अब तो शांत हो गए हो। देखो फोर्स अंदर है, बाहर कोई नहीं आ रही है, फोर्स सारी अंदर है, बाहर कोई नहीं है। आखिर अब भी सेनापति का खौफ बना हुआ है, केवल राम भतीरी एक ऐसी है जो सेनापति के सामने टिक जाती है, और किसी की हिम्मत नहीं है जो सेनापति के सामने टिक जाए। आखिर सेनापति के पद पर बैठने वाली है राम भतीरी। बोलो जय 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 श्री राम, जय सिया राम। बोलो बजरंग बली की जय। राम भतीरी है भाई, मजाक बात नहीं है, श्री राम और हनुमान जी की पक्की भगत है राम भतीरी। बोलो जय सिया राम।